ये कब से चल रहा है आपका? 6 महीने से सर, 6 महीने हो गए सर। और गौरव साहब बोल रहे हैं आप भीख मांगना बंद करो, 13,000 में कैश ना, हम भीख मांग रहे हैं क्या? टारगेट के रहे बंद करो। इन्होंने कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट किया। होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट था तो एलजी साहब उनके सामने हंस रहे थे। जो पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी थी उनके, जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। They don't want to solve the problem, because it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मेंटेनेंस के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाइए, ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। एक इंसान भी घर से चला गया, उसको भी मार दिया गया, फिर घर भी लूट दिया। 2 साल हो गए हमको भटकते, बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, बैठने के लिए जगह भी नहीं, कभी एक रिश्तेदार के कभी दूसरे, आज मैं भाई के पास आई हूँ। They are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा तो बीजेपी के हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं सर, औजार खत्म हो जाएगा। इनको तो हमको जिंदा रखना है बकरे की तरह, खाना पिलाना है, मोटा करना है, फिर बेचना है। मकान मालिक उनको पैसे मांग रहे हैं, सब्जी वाले उनको पैसे मांग रहे हैं, उनके पास है नहीं। होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट था तो एलजी साहब उनके सामने हंस रहे थे, मुझे बड़ी शर्म, मेरा दिल टूट गया उस टाइम, मुझे मेरे आंखों में आंसू आया। ये बंदा गुजर रहा है यहाँ, इनको लगा कि कुछ हलचल होगी वहाँ, तो इन्होंने देखो कहाँ से फोन किया, अभी तक तो हमको याद नहीं किया, अब आज अचानक कैसे याद किया? जो ये अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा आज तक, उसको शॉर्ट किया उसी दिन। आई लिव इन श्रीनगर सर, हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर ले। 2014 से इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है कहीं पे। 12-13 मैं वहाँ पे बढ़िया हालात थी, लोग 1-1 बजे तक घूमते थे, बहुत बढ़िया हालात था, हम सब काम कर रहे थे उस पे, बिल्कुल बहुत बढ़िया हालात थे सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी उनके, जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया, उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ क्वार्टर बनाने, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियाँ उनकी पॉलिसी थी, वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस से बढ़ाया, इन्हें इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इन्होंने वो तक बंद कर दिया हमारा, और कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था, 2014 से पहले क्यों नहीं हो रहा था ये चीज़? हमने 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी, 2010 से लेके 2022 तक 12-12.5 साल हमने आराम से काम किया। मैंने अपनी भाई को खून में बहते थे, अब मैं और कोई इंसिडेंट देखूंगी हम कभी नहीं चाहेंगे। मैं यहाँ भी एक मांग कर इन भक्त पालूंगा, मगर मांग नहीं करूँगा।